कभी आदमी का पता करना हो ना कि बंदा एक नंबर है कि दो नंबर, बंदा एक नंबर है कि दो नंबर, तो उसका मोबाइल चेक कर लो। क्या चेक करो? जो मोबाइल के अंदर है वही बंदे के अंदर है। जैसा आज मोबाइल होगा ना बंदे का, वैसी उसकी कब्र होगी, वैसी उसकी आखिरत होगी। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, फरमाते के तन्हाई के गुनाहों से बचो। किससे? तन्हाई के गुनाहों से बचो, वरना अल्लाह पाक लोगों के दिलों में तुम्हारी नफरत डाल दे। अल्लाह तुम्हारे लोगों के दिलों से तुम्हारी मोहब्बत निकाल देंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो इस वक्त का सबसे बड़ा फितना क्या है? सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी आदमी की आजमाइश क्या है इस वक्त? ये मोबाइल है। तन्हाई में बैठकर मोबाइल पे क्या करते हो आप? भाई ये आपकी हकीकत है, आप अच्छे हो कि बुरे हो आप खुद फैसला कर लो। आप तन्हाई में बैठते हो जब मोबाइल पे, तो कोई कुरान है, कोई बयान है, कोई नात है, ये अल्लाह की बात है, या कोई मालूमाती चीज़ें हैं, ज़रूरत की बिला वजह नहीं। और अगर गलत चीज़ें देख रहा है आदमी, तो इसका मतलब है ये आदमी गलत है। अब इसकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी, इसकी कब्र भी ख़राब हो जाएगी। तो सब नियत करो अपनी तन्हाइयों को पाक करना इंशाअल्लाह। तन्हाइयों को क्या करना भाई? हाँ, कैसे भी कुरान में लोगो जिक्र करो, कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिगफार पढ़ो, एक सिपारा कम अज़ कम पढ़ो। अब कितने लोगों के पास कितना वक्त फारिग होता है, वो फारिग वक्त किस में लगाओ? कुरान में लगाओ, जिक्र में लगाओ, दुआ में लगाओ, कोई दीन की बात सीखो, दीन के मसाइल सीखो, सहाबा की ज़िंदगी क्या थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, इसको सीखो। ठीक है ना जी? अल्लाह अमल की तौफीक।